गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन आज हम लेसन टू द काबुली वाला के क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग करेंगे चैटर बॉक्स बातूनी या बहुत बोलने वाला कन्वर्सेशन बातचीत बर्स्टिंग अचानक घुसना टेरर डर सैक बोरा बियर्डेड, दाढ़ी वाला स्टैब्ड छुरा घोंपा ओड बकाया था कुछ उधार बकाया होना प्रिजन जेल सेरेमनीज़ रस्में रेजेंस किशमिश अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं क्वेश्चन वन वाई वॉज मिनी कॉल्ड ए चैटर बॉक्स मिनी को चैटर बॉक्स या बतूनी क्यों कहते थे आंसर मिनी वॉज कॉल्ड अ चैटर बॉक्स बिकॉज शी यूज़ टू टॉक अ लॉट मिनी को चैटर बॉक्स या बातूनी इसलिए कहते थे क्योंकि वो बहुत बोलती थी क्वेश्चन टू वाई वॉज मिनी अ फ्रेड ऑफ़ द काबुली वाला मिनी काबुलि वाला से क्यों डरती थी आंसर मिनी वॉज अफ्रेड ऑफ़ द काबुली वाला बिकॉज शी हैड हर्ड दैट काबुली वालाज कॉट चिल्ड्रन पुडेम इन द सेक्स एंड टुक दैम अवे मिनी काबुली वाला से इसलिए डरती थी क्योंकि उसने सुन रखा था कि काबुली वाले जो होते हैं वो बच्चों को पकड़ते हैं अपने सैक में या बोरे में रखते हैं और उनको ले जाते हैं क्वेश्चन थ्री वाई वॉज काबुली वाला अरेस्टेड काबुली वाला गिरफ्तार क्यों हुआ आंसर काबुली वाला वॉज़ अरेस्टेड बिकॉज ही स्टैप्ड अ मैन हु ओड हिम मनी काबुली वाला इसलिए गिरफ्तार हुआ क्योंकि उसने एक व्यक्ति के पीठ में छुरा घोंप दिया था जिनका उस उस पर कुछ पैसा बकाया था क्वेश्चन फोर वाई वॉज द काबुली वाला शॉक्ड टू सी मिनी काबुली वाला मिनी को देखकर हैरान क्यों हो गया आंसर काबुली वाला वॉज शॉक टू सी दैट मिनी द लिटिल गर्ल ही हैड नोन हैड ग्रोन इंटू अ ब्यूटिफुल वुमन काबुली वाला मिनी को देख कर इसलिए हैरान हुआ क्योंकि वो सोच रहा था कि मिनी छोटी सी लड़की होगी लेकिन वो एक बड़ी सुंदर महिला बन चुकी थी क्वेश्चन फाइव वॉट डिड मिनीज़ फ़ादर गिव हिम मिनी के पिता ने काबुली वाले को क्या दिया आंसर मिनी इज़ फादर गेव रहमान सम मनी सो दैट ही कुड गो एंड सी हिज डॉटर मिनी के पिता ने रहमान को कुछ पैसे दिए कि वो जाकर अपनी बेटी से मिल सके क्वेश्चन सिक्स मैंशन द ह्यूमन क्वालिटीज़ दैट यू सी इन द लेसन कौन सी ह्यूमन क्वालिटीज़ इस लेसन में दिखाई देती हैं आंसर द ह्यूमन क्वालिटीज़ दैट वी सी इन द लेसन आर लव अफेक्शन एंड केयर फॉर ईच अदर इस लेसन में जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं वो हैं प्यार और एक दूसरे की केयर करना नेक्स्ट है एक्सरसाइज टेक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस फॉर द रोंग स्टेटमेंट्स राइट और रॉन्ग का निशान लगाना है

मिनी डिड नाट फॉरगेट द काबुली वाला मिनी जब बड़ी हो गई थी उसकी शादी हो रही थी काबुली वाला आया तो ये कह रहे हैं मिनी भूली नहीं थी उसको जबकि ये सच नहीं है मिनी उसको भूल चुकी थी तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है मिनीज़ फादर डिड नाट हेल्प रहमान विथ सम मनी जब रहमान आया था तो मिनी के फादर ने उसकी हेल्प की थी इसलिए ये स्टेटमेंट कि मिनीज़ फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विथ सम मनी रॉन्ग है मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग रहमान की हेल्प करने के बाद जितने पैसे उन्होंने रहमान को दिए थे उन्हें शादी के खर्च में कुछ कमी करनी पड़ी तो ये स्टेटमेंट सही है राइट right. नेक्स्ट है वर्ड पावर फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स पहला है अफोर्ड सह सकना या कर सकना सडनली अचानक सैक्स बोरे स्टैब्ड छुरा घोंपना ओड बकाया होना ए वी कीप ग्रेन्स इन हम अनाज को रखते हैं तो ये होगा सेक्स नंबर वन सेक्स माई फ्रेंड डैश मी वन थाउजेंड रुपीज़ मेरा दोस्त एक हज़ार रुपये तो ये होगा ओड बकाया हैं मेरे एक हज़ार रुपये बकाया हैं मेरे दोस्त पर सी टॉम डैश मैरी इन द बैक टॉम ने मैरी को पीठ में तो ये होगा स्टैब्ड टॉम स्टैब्ड मैरी इन द बैक. टॉम ने मैरी को पीठ में चुरा घोंपा ए डॉग डैश जम्प्ड एट अंकित एक कुत्ता कूदा अंकित पे तो ये होगा सडनली अचानक ई डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन मत खर्च करो इतना जितना तुम तो ये होगा कर सकते हो या सह सकते हो तो अफोर्ड होगा ये तो ये हो गया वी कीप ग्रेन्स इन सैक्स माय फ्रेंड ओड मी वन थाउजेंड रुपीज़ टॉम स्टैप्ड मैरी इन द बैक ए डॉग सडनली जम्प्ड एट अंकित डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन अफोर्ड नेक्स्ट है सेकेंड सजेस्ट अ सूटेबल वर्ड फ्रॉम द गि बॉक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी डेमोक्रेसी लोगों की चुनी हुई सरकार पेट्रियाट देश भक्त चैटरबॉक्स बहुत बोलने वाला बातूनी लिटरेट पढ़ा लिखा एग्जाम्पल अ प पर्सन हू कैन रीड एंड राइट जो लिख पढ़ सकता है वह हो गया लिटरेट अ पर्सन हू टॉक्स टू मच यह हो जाएगा चैटर बॉक्स एक पर्सन जो बहुत बोलता है तो चैटर बॉक्स अ पर्सन हू लव्ज हिस कंट्री वह व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है तो ये हो गया पेट्रियोट तो ये हो गया अ पर्सन हु टॉक्स टू मच चैटर बॉक्स जो बहुत बोलता है वो चैटर बॉक्स अ पर्सन हु लव्ज इस कंट्री जो अपने देश से प्यार करता है वो पैट्रिया सी अ गवमेंट बाई द पीपल लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार तो ये हो जाएगी डेमोक्रेसी डी अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग जो किसी चीज़ को बहुत आशावादी है जो अच्छा ही देखता है किसी चीज़ की तो ये हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट तो ये हो गया अ गवर्नमेंट बाय द पीपल लोगों की गवर्नमेंट डेमोक्रेसी अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग जो बहुत आशावादी है ऑप्टिमिस्ट नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस रीड एंड अंडरस्टैंड कंजक्शंस आर वर्ड्स यूज टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर कंजक्शंस दो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं सम ऑफ द कॉमन कंजक्शंस आर एंड बिकॉज बट और एंड सो ये कुछ कंजक्शंस हैं इसमें एंड इज़ यूज टू मीन ऑल्सो और इन एडिशन टू एंड का यूज़ होता है जो जब दो चीज़ें एक के बाद एक या ये भी और ये भी हो, ऐसे हो बिकॉज इज़ यूज टू एक्सप्रेस द रीज़न ऑफ द एक्शन जब किसी एक्शन की वजह बताई जाए तो बिकॉज यूज़ होता है बट इज़ यूज टू सजेस्ट एंड कंट्रास्ट बट किसी चीज़ को सजेस्ट करने के लिए किसी सजेशन के लिए या दो अलग अलग बातें हैं उसके लिए कंट्रास्ट के लिए यूज़ हो, होता है और इज़ यूज टू सजेस्ट दैट ओनली वन पॉसिबिलिटी कैन भी रियलाइज और मीन्स या जब दो पॉसिबिलिटीज़ में से एक ही हो सकता है तो और का यूज़ होता है सो इज़ यूज टू शो टू शो द रीज़न फॉर समथिंग सो का यूज़ होता है जब किसी चीज़ का रीज़न दिखाना हो नाउ चूज द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स यू हैड अ लॉन्ग डे गो डैश रेस्ट फॉर अ वाइल बहुत लंबा दिन था यानी तुमने बहुत काम किया है गो रेस्ट फॉर द फॉर अ वाइल इसमें होगा एंड क्योंकि सीक्वेंस में चीज़ें हैं जाओ और रेस्ट करो वी कुड नॉट बाय द मेडिसिन डैश ऑल द शॉप्स वर क्लोज हम दवा नहीं ख़रीद पाए सारी शॉप्स बंद थी तो रीज़न है क्योंकि सारी शॉप्स बंद थी तो इसमें होगा बिकॉज आई वेंट टू बेड अर्ली डैश आई couldn't वॉच द टी वी शो लास्ट नाइट और सो बट तो क्योंकि मैं जल्दी सो गया तो मैं टी वी नहीं देख सका. टी वी नहीं देख पाया तो इसमें होगा सो सो आई couldn't वॉच द टी वी लास्ट नाइट डी द स्टिक वॉज Dash. डैश इट वॉज स्ट्रोंग और बट एंड स्टिक थिन थी स्ट्रोंग थी तो दो कंट्रास्ट हैं बातें तो ये बट कि थिन ज़रूर थी स्टिक लेकिन वो स्ट्रांग थी मजबूत थी ई यू कैन हैव अ टी डैश अ कॉफ़ी तुम चाय ले सकते हो कॉफ़ी ले सकते हो एंड और सो दोनों में से एक चीज़ ले सकते हो तो और यू कैन हैव अ टी और ए कॉफी ये हो गया यू हैड अ लॉन्ग डे गो एंड रेस्ट फॉर अ अवाइल तुमने सारे दिन काम किया है जाओ और रेस्ट करो एंड बट और में से चुनना था वी कुड नॉट बाय द मेडिसिन बिकॉज ऑल द शॉप्स वर क्लोज हम दवाई नहीं खरीद सकते ख़रीद सके क्योंकि सारी दुकानें बंद थीं आई वेंट टू बेड अर्ली सो आई कूडेंट वॉच द टी वी शो लास्ट नाइट मैं जल्दी सो गया इसलिए मैं टीवी शो नहीं देख सका द स्टिक वॉज थिन बट इट वॉज स्ट्रोंग स्टिक पतली ज़रूर थी मगर मज़बूत थी यू कैन हैव अ टी और ए कॉफ़ी तुम चाय ले सकते हो या कॉफ़ी पुट अ सूटेबल वर्ड इन ईच ब्लैंक टू मैच द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट मिसिज वर्मा टुक डैश सन टू द स्कूल इसमें प्रोनाउन फिल करना है तो मिसेस वर्मा अपने बेटे को लेके स्कूल गई तो इसमें आ जाएगा हर सन नेक्स्ट द चाइल्ड हैज़ अ फ्लावर डैश हिज हैंड इसमें प्रिपोजिशन भरना है कि बच्चे के हाथ में तो इन बच्चे के हाथ में फूल है द डैश सोल्जर फॉट फॉर हिज़ कंट्री इसमें एडजेक्टिव बनना भरना है यानी सोल्जर की विशेषता बतानी है तो द ब्रेफ सोल्जर कैसा सोल्जर ब्रेफ सोल्जर फोट फॉर हिज कंट्री बहादुर सिपाही लड़ा अपने देश के लिए ही ऑलवेज डेड हिज वर्क वेरी इसमें एडवर्व भरना है तो वर्ब की विशेषता बतानी है तो वेरी सिंसियरली कह सकते हैं ये हो गया मिसेज वर्मा took her son to school. Mrs. Verma अपने बेटे को स्कूल लेके गईं. The child has a flower in his in his hand. बच्चे के हाथ में फूल है. The brave soldier fought for his country. बहादुर सिपाही अपने देश के लिए लड़ा. He always did his work very sincerely. वो अपना काम बहुत सिंसियरली करता है हमेशा